Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwind Class 7 by BrainRoot. So today we are starting Chapter 5, Simple Equations. So let us start getting ready. The world records in swimming are approved by FINA, means Federation International Natation, the international governing body of swimming. So it recognizes world records in the following events for both men and women, like freestyle, backstroke, relay. These are the types of swimming, like breaststroke, individual medley, mixed relay, butterfly. So the records can be set in long course 50 meters or short course 25 meters. So you can see a beautiful picture given over here. Now, Michael Phelps is the most decorated Olympian swimmer of all times. He has won total of 28 medals in various swimming events in 4 Olympic Games. Okay, now key question. A swimmer takes 60 seconds to cover a particular distance. How much less time in seconds should the swimmer take to match the record time of R seconds? So let us start now. Equation introduction. Find the missing numbers in the following. Aapke paas 4 parts given hai, kuch numbers given hai and kuch numbers missing hai. Like A part, dash plus 2 equal to 7, yani hum 2 mein kya add kare ki wo 7 ban jaye, yani hum kis number mein 2 add kare कि वो 7 बन जाए. इट्स वेरी इजी, यू नो दैट मस्ट बी 5. 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7. ऐसे ही हम किस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, यू नो वेरी वेल 6 3 जा 18. ओके, ऐसे 5 में से क्या माइनस करें कि वो 4 बन जाए, 5 माइनस 1. ऐसे डी पार्ट है, विच नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4, सो द आंसर इज 5. किस नंबर को 4 से डिवाइड करें कि हमारे पास 5 आए, सो दैट इज 20. ओके, सो इन एलजेब्रा इंस्टेड ऑफ ब्लैंक्स ऑफ बॉक्सेस लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी नोन एज वेरिएबल्स आर यूज्ड. मैथ्स में हम नंबर यूज करते हैं. एलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के साथ लेटर्स भी यूज करते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जी any letter. Okay, so hence the above can be written as a part x plus 2 equal to 7. अब हमने box नहीं दिया, हमने उसको लिख दिया x plus 2 equals to 7. And b part बन गया a into 3 equals to 18 और 3a equals to 18. And c part में हमने 5 minus y equal to 4 and d part में b divided by 4 equals to 5. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने variables use कर दिए instead of blank boxes. Okay, so these problems are examples of equations. ये क्या बनते हैं, ये बन जाती हैं equations. The left hand side of an equation is equal to the राइट हैंड साइड. यहाँ पे आप देखेंगे टू साइड्स है, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड वन इज राइट हैंड साइड एंड वन साइन इज इक्वल टू. जहाँ पे इक्वल टू साइन यूज होगा दैट बिकम्स इक्वेशन, मीन्स व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल दैट इज सेड टू बी इक्वेशन. अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. सो नाउ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x प्लस टू लाइक डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. जैसे x प्लस टू है ए पार्ट में, x प्लस टू इक्वल टू 7 है. अब वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x पे. सो इक्वेशन a इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल x, यानी कि हमने कंडीशन लगा दी कि हम x में क्या, x में हम 2 ऐड करें तो हमें 7 मिलेगा, राइट. सो इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 7. द कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन x इज 5. जब हम x को 5 लेंगे तो वो 7 बन जाएगा. सो हेंस एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स. तो ये
इक्वेशन क्या है, एक इक्वालिटी की स्टेटमेंट है जिसमें वन और मोर अननोन क्वांटिटीज या वेरिएबल्स आते हैं। जब आप इक्वल टू साइन करेंगे, कोई भी वेरिएबल, आप एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, दो वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब इस चैप्टर में वी आर डीलिंग विद ओनली वन वेरिएबल। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, देन वी विल टॉक अबाउट मोर देन वन वेरिएबल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हेयर वन इंफॉर्मेशन इज गिवन ओवर हेयर, लाइक एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये आ गया हमारा थ्री वेरिएबल्स में। एज आई टोल्ड यू, हम कितने भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, बट प्रेजेंट अब इस क्लास में आपके पास अभी वन वेरिएबल की ही हमें बात करनी है। ओके, सो लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन से थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि जब हम इक्वल टू साइन यूज करेंगे, जब टू स्टेटमेंट्स इक्वल होती हैं, दैट इज इक्वेशन। अब हमारे पास लीनियर है, लीनियर क्या है एक्चुअल में? सो एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। जब हम जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं उसकी हाईएस्ट पावर अगर हम वन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन। सपोज आपने एक्स की पावर टू प्लस थ्री इक्वल्स टू सेवन लिया है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर के लिए पावर शुड बी वन, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी वन। ओके, द वर्ड लीनियर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लाइन। अगर हम कोई ग्राफ ऐसा प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो हमारे पास वो क्या आएगा, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सो यू विल लर्न प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स इन योर हायर क्लासेस। अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल वन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमें क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है, इसको हमें चेंज करना है इक्वेशन की फॉर्म में। लाइक ए पार्ट, द सम ऑफ y एंड 10 इज 27, तो आप क्या लिखेंगे, y प्लस 10 इक्वल्स टू इज मीन्स इज इक्वल टू 27। ओके, बी पार्ट, द डिफरेंस ऑफ 6 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 55। अब एक नंबर का 6 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, और 11, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 55। तो हमें नंबर नहीं पता, तो हम उसे अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर बी n। आप कुछ भी ले सकते हैं, x, y, z, एनीथिंग। सो लेट द नंबर बी n, सो 6n माइनस 11 इक्वल्स टू 55। नाउ सी पार्ट, eight times a number b added to 19 is 107. eight times a number b, yani eight times of b, 8b added to 19 mein add kiya, is equal to 107. Okay, now the next is the quotient of q and 7 is 4 more than 5. Quotient of q and 7 means q को 7 से डिवाइड किया, सो q डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4 मोर देन 5, यानी वो क्या आएगा, 5 से 4 ज़्यादा, मीन्स 5 प्लस 4। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q बाय 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 4, और q बाय 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। हमने क्या किया है, स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया है, राइट? नाउ एग्जांपल टू, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्टेटमेंट फॉर्म्स। हमें क्या करना है, इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में चेंज करना है। लाइक ए पार्ट, पी प्लस 8 इक्वल्स टू 15, तो हम इसे कैसे वर्ड्स में लिख देंगे, द सम ऑफ नंबर्स पी एंड 8 इज 15। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एडेड टू 8 गिव्स 15। देन बी पार्ट, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 13, तो ये क्या आएगा, 4 लेस देन एक्स इज 13, और 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 13। देन सी पार्ट,
2k plus 9 equal to 17, yani 2 times of k added to 9 gives 17. Add, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, add 9 to 2 times k to get 17. जैसे आपको लैंग्वेज ठीक लगे आप उसको लिख सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द प्रॉपर वे, लाइक 2 टाइम्स ऑफ k, 9 टाइम्स ऑफ k नहीं लिखना उसको, 2 टाइम्स ऑफ k एडेड टू 9, राइट. देन हेयर d पार्ट 3 बाय 4 t इक्वल्स टू 8, सो 3/4 ऑफ अ नंबर t इज 8. 3 बाय 4 इज व्हाट, फ्रैक्शन है 3/4, सो 3/4 ऑफ अ नंबर t इज 8, right? So I hope it's clear to you. Now example 3, there are 48 students in a class. If the number of girls is 1/3 the number of boys, form an equation to find the number of boys. Hamare paas given hai total students 48, jisme se girls ka jo number hai wo number of boys ka 1/3 hai. तो हमें एक इक्वेशन बनानी है. सो अब हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉयज़, सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स. हम मान लेंगे एक्स है नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ जाएंगी, 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स. अब टोटल इज 48. अब इक्वेशन कैसे बनेगी, सम ऑफ number of boys and number of girls is equal to 48, means x plus 1/3x equals to 48. Okay, I hope it's clear to you. Now example 4, Atul purchased a MacBook from his pocket money, which is rupees 100. After purchasing the book, he was left with rupees 70. Form an equation to find the cost of the book. उसके पास 100 रुपीस थे जब उसने बुक परचेज की, उसके पास 70 रुपीस रह गए, तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ द बुक. सो लेट द कॉस्ट ऑफ द बुक इज रुपीस एक्स. ओके, एक्स टोटल अमाउंट 100 है, अब कितना बचा 70, यानी एक्स प्लस 70 इक्वल्स टू 100. ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 70. 100 में से कॉस्ट ऑफ बुक माइनस कर दी, कितने बचे 70. और आप ऐसे भी बना सकते हैं कॉस्ट ऑफ बुक प्लस 70 इक्वल्स टू 100. सो बोथ द वेज आर करेक्ट, राइट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now, concept highlight, हमने क्या पढ़ा है अभी, an equation is a condition on a variable such that the two expression in the variable should have equal value. Okay, जब दो expression equal होंगे उसको हम बोल देते हैं equation. The value of the variable for which the equation is satisfied is called the solution of the equation. जो भी वैल्यू वेरिएबल की सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को उसको हम बोलते हैं सल्यूशन या फिर रूट. वो भी आप शायद हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं सल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स व्हिच वी हैव डन, लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट. 5 times x added to 3 gives 18, yani 5 times x, 5x added to 3, 3 mein add kar diya, kitna bana 18, okay, right. So like 1/6 of c is 2 more than 8, 1 c ka 1/6 8 se 2 jyada hai, yani 1/6 of c बड़ा है 8 से, कितना ज़्यादा है, कितना 2, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2. जब हम बात करते हैं किसी के पास ज़्यादा है या कम है, यानी उनका डिफरेंस, सो 1/6 ऑफ c माइनस 8 इक्वल्स टू 2, राइट. सो लाइक दिस यू कैन ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स. ऐसे सेकेंड क्वेश्चन में है, अब इक्वेशंस हैं, इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे. Now the third question, form the equation for the following cases.
like a part, the sum of two consecutive number is 51. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए consecutive होता क्या है, जैसे 3 and 4, 6 and 7, 17 and 18, यानी numbers which comes one after the other, और आप कह सकते हैं जिनका difference क्या हो, 1, okay? तो दो नंबर हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम है 51. अब हमें नहीं पता वो कौन से नंबर हैं, सो लेट द वन नंबर इज x एंड द अदर नंबर, वो उसमें 1 ऐड कर दो, x प्लस 1. ओके, सो देयर सम यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 51. फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें पता है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 51. ओके, लाइक सी पार्ट है, अ नंबर एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 33. एक नंबर है जो अपने हाफ में ऐड हो गया, यानी x बाय 2 में ऐड हो गया हाफ ऑफ x, इट गिव्स इक्वल्स टू 33. राइट, आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now we can see F part. Vaibhav's father's age is 4 years more than 3 times of Vaibhav's age. यानी Vaibhav के father की जो age है, वो Vaibhav की age के 3 times से 4 years ज़्यादा है. So Vaibhav's father is 43 years old. अब हमें Vaibhav की age नहीं पता, so let the Vaibhav's age be X. Vaibhav's age X. तो father's age is what? 4 years more than 3 times of Vaibhav age, yani 3x plus 4, aur to unki age kitni hai 43, to ye ban jayegi hamari equation. So like this you can try other questions, fine? So go through this portion, any problem then we can discuss it. Now we are coming to solution of an equation. As I told you, जो भी variable की value satisfy करेगी equation को, वो बन जाता है solution. As stated earlier in the chapter, the value of the variable which makes left hand side equals to right hand side of the equation is called the solution or root. I told you solution or root of the equation. In other words, the value of the variable which makes the equation a true statement is called the solution or root of the equation. Jab statement true ho jaye, jab right hand side equals to left hand side ho jaye according to the value of the variable, that value is the solution or root of the equation. Aap ek example dekh sakte hain, like 4x minus 5 equal to 7 है, ठीक है? अब हम x की क्या value put करें कि ये 7 आए. 4x minus 5 का मतलब क्या है कि 4 into x then minus 5 कर दो, और हमें क्या चाहिए, 7. तो 4 into 3 12 minus 5 आपके पास क्या आएगा, 7. यानी x equal to 3 ने इस equation को satisfy कर दिया, true बना दिया, left hand side और right hand side को equal बना दिया. So x equal to 3 is the solution of this equation. Okay, now find out whether x equal to minus 3 is the solution of the above equation. अब minus 3 put करके देखो तो वो आपके पास नहीं आएगा answer, यह आएगा minus 17. कोई भी इक्वेशन का एक ही, एक लीनियर इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा. कीप इन माइंड दिस थिंग. ओके, तो x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन, यानी x इक्वल टू माइनस 3 पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा. आप इसकी वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट, राइट? एज आई टोल्ड यू लाइक दिस. नाउ अब हम बात करते हैं कि ये तो सिंपल इक्वेशन थी, हमने वैल्यूज एज्यूम करके पुट कर दी और देन we got the answer. But ab equation sometimes it may be complicated, to usko hume solve kaise karna hai. Methods of solving an equation. Solving an equation means to find the value of the variable which will make the left hand side equal to right hand side. So there are three methods. One is trial and error method,
The second is systematic method and the third one is transposition method. अब हम बात करते हैं first trial and error method. To solve any equation by this method, study the given equation carefully and guess its solution. It's like a game, trick. अपना बस आपने दिमाग लगाना है, mind use करना है कि let us start with 2 or minus 2 or 1 और उसको हम वन बाय वन पुट करते जाएंगे. दैट इज़ द ट्रायल एंड एरर मेथड. सो देन इवेल्यूएट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. आप डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम करेंगे, उनको पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज द सोल्यूशन. जहाँ पे दोनों इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन जाएंगे जिस वैल्यू पर, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा हाउ टू डू इट. नाउ एग्जाम्पल वन, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ए पार्ट एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 12. हमारे पास क्या है, x प्लस फोर इक्वल्स टू 12. यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस फोर, और राइट हैंड साइड क्या है, 12. राइट हैंड साइड तो हमें कुछ नहीं करना, नंबर है 12 है. लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस फोर है, तो हमें x की वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि वो 4 में ऐड होने के बाद 12 बन जाए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, देन लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड, देन चेक वेदर दीज आर इक्वल और नॉट. अब हमने सपोज x को 1 ले लिया, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 4 5, और ये 12 है, दीज आर नॉट इक्वल, सो नो. x को हमने मान लो 4 ले लिया, 4 प्लस 4 8 बन गया, और यहाँ पे 12 है, दीज आर नॉट इक्वल. देन x को आपने 7 ले लिया, 7 प्लस 4 11 बन गया राइट हैंड साइड, Still, these are not equal. अब हमने x को 8 लिया, तो x को 8 लेने पे ये 12 आ गया, और ये 12 है, equation satisfied. यानी हमारा solution क्या होगा, x equal to 8. जहाँ पे दोनों साइड equal हो जाएंगी, that is the solution. I hope it's clear to you. Similarly, b part 4m equal to 24. तो लेफ्ट हैंड साइड 4m है और राइट हैंड साइड 24 है. अब आप m की वैल्यू सपोज आपने 2 ले ली, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, 24 नहीं बना. 4 6 जा, यू नो 4 6 जा 24, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6. सो m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन. दे हैव शोन अस लाइक इन द टेबल m की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड and check whether these are equal or not. उन्होंने m की वैल्यू 1 ली, not equal, 3 पे भी 12 आ गया, not equal, 4 5 जा 20 आ गया, not equal, 4 6 जा 24, yes, okay. So this is the trial and error method. Now c part, the given equation is p by 6 equal to 3. अब हम क्या लेंगे p की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड चेक. ओके, नाउ p की वैल्यू सपोज हमने, अब हम 6 से बड़ा ही नंबर लेंगे ना यहाँ पर. सपोज हमने p को 6 ले लिया, 6 बाय 6 दैट इज 1, लेकिन हमारा क्या है, राइट हैंड साइड 3 है, सो दीज आर नॉट इक्वल. फिर हमने 6 का मल्टीपल 12 ले लिया, द आंसर इज 2, लेफ्ट हैंड साइड इज 2, बट द राइट हैंड साइड इज 3, अगेन नॉट इक्वल. अब हमने 18 लिया, तो 6 3s आर नाउ बोथ आर इक्वल, सो यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो नाउ डी पार्ट, द गिवन इक्वेशन इज 7n माइनस 4 इक्वल्स टू 31, राइट. तो आप वैसे ही लेंगे n की वैल्यू, n वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो n की वैल्यू हम चूज करते जाएंगे. सपोज हमने 1 लिया, 7 इंटू 1, 7 माइनस 4 3 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 31, यानी हमें थोड़ी वैल्यू बिगर लेनी पड़ेगी.
तो ऐसे हमने फिर ट्राई किया 2 पे, फिर 4 पे, देन वी ट्राइड 4, 5. तो 7 5 जा 35 माइनस 4 दैट इज 31. तो दोनों इक्वल आ गए. तो व्हाट इज द आंसर? n इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन. ओके, दिस इज वेरी इजी. आपने जस्ट अपने आप एज्यूम करके वैल्यूज पुट करनी है और फिर चेक करना है वेदर बोथ द साइड्स आर इक्वल और नॉट. नाउ द सेकेंड मेथड इज सिस्टमेटिक मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट कैन बी यूज टू सॉल्व वेरी सिंपल इक्वेशंस ओनली. जब इक्वेशन सिंपल होंगी तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है. सो एन इक्वेशन इज लाइक वेइंग बैलेंस विद इक्वल वेट्स इन द टू पैन्स. जैसे इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, ऐसे ही जो इक्वेशन है हमारी एक बैलेंस पैन की तरह है, जो दोनों पैन क्या है, इक्वल होने चाहिए. ओके, सो आपने ये इस टाइप का बैलेंस पैन देखा होगा कहीं भी. आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी आपको वेट मेजर करना है तो जो शॉपकीपर है वो ये यूज़ करते हैं, राइट? सो सपोज द वेट ऑन ईच पैन एड्स अप टू 5 kg, सो द पैन्स विल बी बैलेंस्ड. हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2+3 kg वेट है सपोज राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 5 kg. ओके, सो अगर हम सेम वेट ऐड करते जाएंगे तो पैन जो है वो बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर हमने एक में ज़्यादा वेट ऐड कर दिया और एक में कम तो वो बैलेंस नहीं होगा. या फिर हम एक में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ वेट माइनस कर देते हैं डिफरेंट वेट्स, तो भी वो बैलेंस नहीं होगा. लेकिन अगर हम सेम वेट ऐड करेंगे या सेम वेट माइनस करेंगे, द पैन्स वुड बी बैलेंस्ड. ओके, सो द टू पैन्स विल रिमेन बैलेंस्ड इवन आफ्टर एडिंग इक्वल वेट्स ऑन बोथ द साइड्स. ऐसे अगर आप सेम वेट ले लेंगे उसमें से, दे वुड बी बैलेंस्ड. सो ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं. लाइक यू नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो द पैन्स विल रिमेन बैलेंस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द वेट्स ऑन बोथ द पैन्स बाय द सेम नंबर. जैसे हम सेम वेट ऐड कर सकते हैं दोनों पैन्स में, ऐसे ही सेम वेट हम माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. सो ऐसे ही सिस्टमेटिक मेथड है, इसमें भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है. सी हाउ रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन गिवन है उस पर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इक्वल टू साइन. See the first one, the same number can be added to both the sides. The same number can be subtracted from both the sides. जैसे पैन में हमने सेम वेट ऐड किया, सेम वेट माइनस किया, ऐसे ही हम इक्वेशन में दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या सेम नंबर माइनस कर सकते हैं, या फिर द सेम नॉन जीरो नंबर मे बी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स, या फिर हम दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, और दोनों साइड को हम सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं. यानी चारों के चारों ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड में बट विद द सेम नंबर. ओके, सी हाउ एग्जाम्पल 2 सॉल्व एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4. अब हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4. हमें यहाँ पे एक्स सॉल्व का मतलब है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इस साइड आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ x चाहिए, तो माइनस 3 है तो हम क्या कर देंगे, प्लस 3 उसको हटाने के लिए, ताकि माइनस 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा आपका, 0. तो हमने अगर यहाँ प्लस 3 किया है
तो हम इधर भी प्लस 3 करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, सो यहाँ पे बन जाएगा 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7. यू कैन सी इन द गिवन इक्वेशन 3 शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. टू डू सो एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3 यानी प्लस 3 ऐड करेंगे बोथ द साइड्स. ओके, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 7. सिंपल. सो नाउ बी श्योर टू कीप द बैलेंस. व्हाट यू डू टू वन साइड ऑफ इक्वल यू शुड ऑल्सो डू द सेम टू द अदर साइड. जो ऑपरेशन आप वन साइड लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन आप डिफरेंट साइड में लगाएंगे. सी एग्जाम्पल थ्री, सॉल्व x प्लस 5 इक्वल टू 12. अब हमें सिर्फ x चाहिए, प्लस 5 को हटाना है, रिमूव करना है. तो प्लस 5 को हटाएंगे कैसे, अगर यहाँ पे माइनस 5 कर दें. सो माइनस 5 यहाँ करेंगे तो यहाँ भी माइनस 5 करेंगे. सो इट बिकम्स x एंड दिस बिकम्स 7. सो x इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल 4, 4x इक्वल टू 8. अब हमें 4 मल्टीप्लाई x है, 4 को रिमूव करना है. तो मल्टीप्लाई में है तो हम नीचे 4 लगा दें तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम बोथ द साइड क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड. ओके, सो 4 4 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन. राइट, नाउ एग्जांपल 5, सॉल्व 12x माइनस 11 इक्वल्स टू 5x प्लस 3. अब इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आ गई x की, तो पहले हम क्या करेंगे, x को वेरिएबल को एक साइड कर देंगे. यानी हम क्या करेंगे, 12x में से 5x माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से 5x को रिमूव करना है. तो 5x माइनस 5x यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी 12x माइनस 5x करना पड़ेगा. तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 7x माइनस 11 इक्वल्स टू 3. राइट, अब माइनस 11 है इसको हटा दें यानी प्लस 11 कर दें बोथ साइड, तो ये कट जाएगा यहाँ पर. तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 14. अब x के साथ 7 है इसको हटा दें यानी डिवाइड कर दें बोथ द साइड बाय 7, तो ये कट जाएगा. तो x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन. थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी था बिकॉज इसमें दो टर्म्स आ गई x की, बट डोंट वरी, आपने क्या करना है, 12x है तो हमें पहले यहाँ पे 5x था इसको रिमूव करना है, यानी यहाँ पे माइनस 5x करना है. तो हम यहाँ पे भी माइनस 5x कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा 7x माइनस 11 इक्वल्स टू 3. फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, एज आई टोल्ड यू. नाउ कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स, सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच विल मेक द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. देर आर 3 मैथड्स, ट्रायल एंड एरर, सिस्टमेटिक एंड ट्रांसपोजिशन. सो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर एंड सिस्टमेटिक मेथड. तो आप जो भी मेथड मेंशन होगा एग्जाम में आप उससे कर सकते हैं, और जो भी आप जो मेथड आपको अच्छा लगता है यू कैन गो फॉर दैट वन. बट अगर एग्जाम में मेंशन है बाय दिस मेथड तो आपने फिर वही मेथड यूज़ करना है. लाइक बी माइनस 7 इक्वल टू 9 है, अगर इसको हम सिस्टमेटिक से करें तो व्हाट टू डू, दोनों साइड 7 ऐड कर दें बिकॉज हमें 7 को हटाना है यहाँ से. तो आपके पास ये क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 16. दिस इज सिस्टमेटिक मेथड. और आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, लाइक वन साइड बी देन लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड एंड देन इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो बाय यूजिंग दीज मेथड यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चन. नाउ वी आर कमिंग टू ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड इज द थर्ड मेथड. सो इट्स वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग. You have seen that when any number is removed from one side of the equation,
it appears on the other side with its opposite sign. Transposition का मतलब क्या है कि transfer करना, यानी अगर हम एक number को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं और वो पॉजिटिव है तो वो बन जाएगा नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हो जाएगा डिवाइड, और अगर डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा अदर साइड मल्टीप्लाई. सो लुक एट दिस, a plus of one number on one side of a simple equation becomes minus of the same number on the other side and vice versa. Plus minus mein change hota hai, minus plus mein. Aise hi second point hai, n multiply of one number on one side of a simple equation becomes division by the same number on the other side and vice versa. यानी मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा डिवीजन में एंड डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में. सो दस एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू द अदर विद अ चेंज इन द साइन विदाउट अफेक्टिंग द इक्वालिटी ऑफ द इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड. इससे इक्वालिटी साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड. Be sure, equality sign acts like a bridge. Okay, when any number is moved across the bridge from left hand side to right hand side or vice versa, it appears on the other side of the equation with the opposite sign. अब आप देख सकते हैं, plus बन गया minus, minus बन गया plus, multiply changes to division and division changes to multiply. I hope it's clear to you. Now example 1, solve 3p minus 8 equals to 16. तो अब आपने क्या करना है, जो number plus या minus से connected है with the variable, पहले उन्हें shift करते हैं. 3p minus 8 equal to 16 है तो minus 8 को हमें हटाना है, यानी other side लेके जाना है, तो ये बन जाएगा हमारा plus 8. Okay? तो इसे आप सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 3p equals to 24. बट हमें सिर्फ p चाहिए, 3 और p में क्या साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का, तो 3 चला जाएगा अदर साइड, ये बन जाएगा डिवीजन, 24 by 3, ये आ जाएगा हमारा 8. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. सी वंस अगेन, ट्रांसपोजिंग माइनस 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, so it becomes plus 8, तो 16 plus 8 बन गया 24, अभी भी p के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, तो 3 जब उधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा डिवीजन में, 24 divide by 3, that is p equals to 8, so this is the solution. आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, like p 8 आया है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखो, 3p minus 8 है, यानी 3 into 8 minus 8, यह आएगा 24 minus 8, यानी 16. इसका मतलब जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है, that is correct. Okay? Now similarly example 2, solve minus 5 equals to 6 into p minus 11 plus 8. बी वेरी केयरफुल जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने साइन का अच्छे से ध्यान रखना है. सी माइनस 5 इक्वल्स टू 6 इंटू पी, पहले आप इसे ओपन कर देंगे, 6p देन माइनस 66 प्लस 8. ओके, अब हम क्या करेंगे, जो p की टर्म है उसको हम एज इट इज रखेंगे, जो बाकी नंबर्स हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे. पहले हम इसे सॉल्व कर लें, माइनस 66 प्लस 8, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस 58. अब इस माइनस 58 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 58 माइनस 5 प्लस 58 इक्वल्स टू 6p. ये माइनस है ये प्लस है, डिफरेंट साइन है, मीन सब्ट्रैक्शन, That is 53, 58 bigger है,
तो दिस इज प्लस 53 इक्वल्स टू 6p। अब हमें p चाहिए, 6 क्या हो जाएगा, 53 डिवाइड बाय 6। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, आपने बस स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते जाओ, देन देर वुड बी नो प्रॉब्लम। फिर इन्होंने चेक किया है अपना आंसर वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। लाइक राइट हैंड साइड में 6 इंटू पी माइनस 11 प्लस 8 है, पी की जगह 53 बाय 6 पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, देन वी आर गेटिंग माइनस 5। सो इट मीन्स आर आंसर इज करेक्ट। नाउ एग्जांपल 3 सॉल्व 2 बाय 7 वाई माइनस 5 बाय 3 इक्वल्स टू 2 बाय 5। अब आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन 5 बाय 3 है इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, ये माइनस में है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये दोनों फ्रैक्शन है, यू नो हाउ टू ऐड टू फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, तो दैट इज 15। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 31 बाय 15। आपके पास आ गया 2 बाय 7 वाई इक्वल्स टू 31 बाय 15। अब हमें सिर्फ y निकालना है ना, तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, बिकॉज डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवीजन, तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी देर इज नो कैंसिलेशन। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन। और फिर इसको चेक करना है, देन वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई ओवर हियर, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड सेम आ जाएगी, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ एग्जांपल 4 सॉल्व 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इसमें हमने क्या करना है, जब भी वेरिएबल 2 से ज़्यादा होंगे या 1 से ज़्यादा होगा, हमें पहले वेरिएबल्स को एक साइड करना है और कांस्टेंट को एक साइड करना है। जैसे यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 2 है, तो 2x को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2x, और माइनस 4 को इधर ले जाओ, माइनस 2 प्लस 4। जिसको शिफ्ट करेंगे उसका साइन चेंज होगा। सो 3x माइनस 2x x इक्वल्स टू 2। और फिर हम अपना जो आंसर है पुट कर देंगे इक्वेशन में, 3x माइनस 4, 3 इंटू 2 माइनस 4, 6 माइनस 4 आ गया 2। राइट हैंड साइड में भी x है, 2x माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज ऑल्सो 2। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, सो दिस इज राइट। ओके, नाउ कम टू कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स। व्हेन अ टर्म मूव्स मींस ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर, द ऑपरेशन चेंजेस टू द इनवर्स ऑपरेशन सो दैट द लीनियर इक्वेशन स्टेज बैलेंस्ड। टू सॉल्व एन इक्वेशन फॉर अ गिवन वेरिएबल बाय सिस्टमेटिक मेथड, यू मे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड by the same number on both the sides of the equation and then undo whatever has been done to the variable. Where number is transposed from one side of the equation to the other, the sign on the number changes as follow: plus changes to minus, minus to plus, multiply to divide, divide to multiply. Right? I hope it's clear to you. Now exercise 5.3, based on such type of question, you can try these one. Now we are talking word problems. In the case of word problems, first an equation is formed based on the statements and then the equation is solved. पहले हमें equation बनानी है, फिर उसको solve करना है. Now rules to solve word problems. Read the question carefully and try to understand what is given and what is to be found. Okay, then the second one, denote the unknown quantity by any letter x, y, z, etc. Analyze and understand the relationship between the different given quantities. Usko samajhna hai, understand karna hai ki kya relation hai unknown quantities ke beech mein. Then form the equation using the given information, फिर equation बनानी है and then solve it.
Okay, see example 1. The sum of two consecutive odd number is 100. Find the numbers. अब हमें पहले पता होना चाहिए consecutive odd numbers क्या होते हैं. Like, you know, 1, 3, 5, 7, 9. These are consecutive odd number. अब हम assume कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2, 2. यानी अगर हम एक नंबर x लेंगे तो सेकेंड नंबर क्या होगा, वो 2 ज्यादा होगा, x प्लस 2, राइट. सो लेट अस अज्यूम वन नंबर x एंड द अदर इज x प्लस 2 और दोनों का सम गिवन है 100, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 100. x प्लस x क्या बन गया, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 100. अब आप क्या करेंगे, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 100 माइनस 2, 2x इक्वल्स टू 98. हमें सिर्फ x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 98 डिवाइड बाय 2, दैट इज 49. तो एक नंबर क्या होगा, 49, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 49 प्लस 2, 51. आई होप इट्स क्लियर टू यू. ओके, नाउ द एग्जाम्पल 2. Subtracting 35 from 6 times a number gives 31. अगर हम किसी नंबर के 6 टाइम में से 35 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 31. Find the number. Let the number be x. 6 times क्या बन गया, 6x. 6x में से 35 माइनस करना है तो 6x माइनस 35 इट गिव्स 31. ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 35 को इधर ले जाएंगे, प्लस 35, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 6x इक्वल टू 66, यानी फिर x क्या आ जाएगा हमारा, 66 बाय 6, x इक्वल टू 11. यू कैन चेक योर आंसर कैसे, 6 इंटू 11, 66 माइनस 35. That is 31 only. So it means our answer is correct. Now example 3. Age of Muskan's father is 4 years more than 5 times Muskan's age. What is the present age of Muskan if her father is 34 years old? Ab Muskan ki age find karni hai hume. So let the Muskan's age be x years. Humne maan liya x years. Father age is 4 years more than 5 times Muskan age. Yani father age kya hogi? 5 times Muskan age, yani 5x, 4 years more. 5x plus 4. Aur wo hume kitni given hai? 34. Father is 34 year old. So 5x plus 4 equals to 34. 4 shift kar denge, 34 minus 4. 5x equal to 30, 5 को नीचे ले आएंगे, 30 by 5, x equal to 6, so Muskan is 6 years old. Okay, now fourth question, length of a rectangle is 5 meter less than twice the breadth. If the perimeter of the rectangle is 62, find the length and breadth. अब देखो, आपको perimeter पता होना चाहिए, formula पता होना चाहिए. If you don't know the formula, how you can find it? You have to do this question, then you must know the formula of perimeter of rectangle if you don't know how to find it. So let us see, length of rectangle is 5 meter less than twice the breadth. जो length है, वो breadth के double से 5 कम है. अब हमें breadth नहीं पता, so let the breadth be x meter. So length is 5 meter less than twice the breadth means 2x minus 5. Less hai to minus, more hai to plus. So 2x minus 5. Okay, now perimeter hume given hai 62 and we know the formula. What is the perimeter? 2 into L plus B. Okay, to hum kya kar denge isme? Values put kar denge. 2 into 2x minus 5. Plus x equals to 62 and then we can solve it. आप solve कैसे करोगे, 2 को आप पहले इधर divide कर दो, ये क्या बन जाएगा 31,
2x plus x क्या बन जाएगा, 3x minus 5 equals to 31. So 3x equals to 36, then x equal to 36 upon 3 means x equals to 12. So the breadth of rectangle is 12 and the length is, you can find 2x minus 5, yani 24 minus 5, 19. Okay, I hope it's clear to you. Any problem? You can try this question on your own. Now, example 5. A wallet contains the same number of 2 rupee coin and 5 rupee coins. The total value of these coins is 70 rupees. How many of each type of coin does the wallet contain? अब एक पर्स में 2 रुपी कॉइन भी है और 5 रुपी कॉइन भी है और दोनों सेम है नंबर में. सो लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन x, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन x. अब उनकी वैल्यू कितनी बनेगी? 2 रुपी कॉइन की वैल्यू बन जाएगी 2x और 5 रुपी कॉइन की वैल्यू बन जाएगी 5x, बिकॉज उन्हें वैल्यू मनी गिवन है, टोटल मनी इज 70. तो हम दोनों की वैल्यूज निकालेंगे, यानी 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 70. तो 7x इक्वल टू 70, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 10. यानी 2 रुपी कॉइन भी 10 है और 5 रुपी कॉइन भी 10 है. ओके, नाउ एग्जांपल 6. इन अप्रैल 2005 अभय फादर वाज 11 टाइम्स एज ओल्ड एज अभय. इन अप्रैल 2017 ही विल बी 3 टाइम्स as old as Abhay. How old were they in April 2005? 2005 में अभय के फादर अभय से 11 times थे, ओके, और 2017 में वो अभय के 3 times हैं. तो 2005 में उनकी क्या एज थी? तो लेट इन अप्रैल 2005 अभय's एज इज x years. तो फादर्स एज क्या हो जाएगी? 11x, 11 टाइम्स ऑफ x, 11x. ओके, नाउ 2017 यानी आफ्टर 12 इयर्स, आफ्टर 12 इयर्स जब एज बढ़ती है, जब इयर्स बढ़ते हैं तो एज भी, सपोज आप अभी 10 इयर्स के हो तो आफ्टर 2 इयर्स यू वुड बी 10 प्लस 2 और 10 माइनस 2, ऑफ कोर्स 10 प्लस 2. तो ऐसे ही आफ्टर 12 इयर्स दोनों की एज क्या हो जाएगी? 12 इयर्स मोर, यानी फादर एज हो जाएगी 11x प्लस 12 और अभय एज हो जाएगी x प्लस 12. सो अभय एज विल बी x प्लस 12 एंड फादर्स एज 11x प्लस 12. अब आप कंडीशन लगा देंगे कि 17 में फादर एज इज 3 टाइम्स ऑफ अभय एज. तो हमने फादर एज 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 12. हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट, 3x प्लस 36, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देन x को एक साइड कर देंगे, 11x माइनस 3x, नंबर्स को एक साइड, 36 माइनस 12 यानी 8x इक्वल टू 24. सो x इक्वल टू 3, सो अभय वॉज 3 ईयर्स ओल्ड एंड फादर वॉज 33 years old. Okay. Now example 7. A sum of rupees 750 is in the form of denomination rupees 50 and rupees 100. Total money 750 है, जिसमें से कुछ note 50 rupees के हैं और कुछ 100 rupees. If the number of 100 rupee note is twice the number of 50 rupees note, find the number of notes of each denomination. 100 रुपी नोट जो है वो 50 रुपी नोट के डबल है. सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज x. तो 100 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे? डबल, 2x. ओके, अब इनकी वैल्यू निकाल लो. वैल्यू ऑफ 50 रुपीज कितनी हो जाएगी? 50 इंटू x, और वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 2x. बिकॉज हमें मनी गिवन है ना, तो हम इसको मनी की फॉर्म में फाइंड करेंगे. सो 50x प्लस 200x यानी दिस इक्वल्स टू 750. ये कितना बन जाएगा? 250x इक्वल्स टू 750. तो x फाइंड कर लेंगे, 750 को डिवाइड कर देंगे 250 से, x इक्वल टू 3.
तो 50 रुपी नोट कितने होंगे 3 और 100 रुपी नोट कितने होंगे डबल 2 × 3 दैट इज 6. ओके आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. यू कैन गो थ्रू दिस एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स ओनली. सो नाउ सम मेंटल मैथ्स क्वेश्चन यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो. नाउ वी आर कमिंग टू MCQs. सो टेक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. लाइक द फर्स्ट वन, थ्राइज अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 गिव्स 24. थ्राइज अ नंबर मीन्स थ्री टाइम्स ऑफ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 6 प्लस 6 इट गिव्स 24. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये क्या आएगा 3x इक्वल्स टू 18 यानी x इक्वल्स टू 6. सो आंसर इज ए. राइट नाउ सेकेंड वन, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 10 द लार्जर एंगल इज. दो एंगल हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मीन्स दोनों का सम क्या है 90. डिफर बाय 10 यानी एक एंगल 10 बड़ा होगा या छोटा होगा. सो लेट इट बी x प्लस 10 और दोनों का सम कितना है 90. तो आप क्या लेंगे x प्लस 10 इक्वल्स टू 90 यानी 2x इक्वल्स टू 80. तो x क्या आ जाएगा 40 और सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा 50 यानी लार्जर एंगल इज b. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, इफ 2n प्लस 5 इक्वल्स टू 3 × 3n − 10. आप इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट. 2n प्लस 5 इक्वल्स टू 9n − 30 देन यू कैन सॉल्व इट. सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 7/9 तो इसमें आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. राइट देन फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर गिव्स 31 यानी अगर हम 9 को ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर कोई नंबर है उसके डबल में 9 ऐड कर दें तो वो आएगा 31. सो लेट द नंबर बी x. तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 31. यू कैन फाइंड x फ्रॉम हियर. देन द सिक्स्थ वन, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 36. एज आई टोल्ड यू हमें ऑड नंबर कैसे अज्यूम करना है x एंड x प्लस 2 इक्वल टू 36 यानी 2x इक्वल टू 34 आ जाएगा यानी x आ जाएगा 17 और एक नंबर आ जाएगा 19. द स्मॉलर वन इज 17. ऐसे सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20 यानी दोनों का डिफरेंस 20 है यानी एक 20 ज़्यादा है. तो लेट वन एंगल x, सेकेंड इज x प्लस 20, उन दोनों का सम ले लो इक्वल्स टू 180 यानी 2x इक्वल्स टू 160. तो x कितना आ जाएगा 80 एंड 100. तो हमें स्मॉलर निकालना है दैट इज 80. नाउ एट्थ क्वेश्चन, टू थर्ड ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 10. कोई नंबर है उसका टू थर्ड जो है वो उस नंबर से 10 छोटा है यानी लेट द नंबर बी x माइनस 2/3x इक्वल्स टू 10. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे. ओके नाइन्थ क्वेश्चन, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3. आफ्टर 6 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 7:5. एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 यानी हम लेट द एज ऑफ ए 5x एंड बी एज 3x. जब भी कोई टर्म्स रेशियो में होती हैं तो उसको हम सेम वेरिएबल में एज्यूम कर लेते हैं. After 6 years, उनकी एज की रेशियो चेंज हो जाएगी 7:5. After 6 years, ए की एज क्या हो जाएगी 5x plus 6 and B's age 3x plus 6 and ratio is 7/5. बन गई इक्वेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई देन यू कैन सॉल्व इट. ओके सो नाउ 10th क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. सम assertion एंड रीजनिंग गिवन. So you can try this one also. So go through this chapter. Any problem, then we can discuss it. So I hope it's clear to you. Thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.